नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में है। एक के बाद एक तीन जिलों में तीन बड़ी वारदातों से महिला सुरक्षा के दावे कटघरे में है। अपराधी बेखौफ है और पुलिस पस्त नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। लगातार वारदातों को अंजाम देकर सीधा सिस्टम को चुनौती दी जा रही है। पहला मामला ग्वालियर का, जहां पर बाइक से आए दो नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े बस स्टैंड से बीए की छात्रा को अगवा कर लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा अपने रिश्तेदार के घर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भिंड से ग्वालियर आई थी। तभी पुराने विवाद में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से छात्रा की तलाश जारी है, लेकिन कई घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। जैसे ही आए यहाँ पर बस स्टैंड पे, उस टाइम पे ये मोटरसाइकिल पे दो लड़के आए और लड़की को ले गए साथ में। दो फुटेज हैं उसमें, एक में लड़की को उठा के ले जाते दिख रहे हैं, मतलब उठा के बैठाते हुए दिख रहे हैं। तो हम प्रकरण पंजीबद्ध किया है अपहरण का, उसकी तलाश कर रहे हैं। अभी ये भी पता लगा है कि कोई भिंड के ही गाँव के उनका कोई लड़का है, जो कुछ दिनों पहले भी कुछ इस तरह की घटना की, तो वो मेन संदेह है, तो उसके बारे में सारी पता कर रहे हैं। वहाँ भी हमने पार्टी भेजी है भिंड भी, और बाकी जगह भी हम सर्चिंग करा रहे हैं ताकि इनको जल्दी पकड़ा जाए। ग्वालियर में छात्रा के अपहरण से सनसनी है, तो बुरहानपुर में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात ने महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला खकनार वन परिक्षेत्र का है, जहां पर 17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप वन विभाग के दो कर्मचारियों पर ही लगा है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जाँच की जा रही है। 8 बजे रात की बात है, वो सड़क चौकी गाँव में सूरज और दिनेश के यहाँ पे खाना बनाती थी। उन्होंने उसको खाना बनाने के लिए कल बुलाया था, तो फिर इसमें उनके द्वारा जो है उसके साथ गलत काम किया, जिसमें अपने माता पिता को भाई बहनों को ये बात बताई, तो आज उस पर एफआईआर की गई। दोनों आरोपी खिलाफ अपना पंजीकृत कर दिया। हरदा में भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। ये घटना सिराली थाना इलाके की, जहां पर 13 साल की बच्ची को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। आरोप बच्ची के घर के सामने रहने वाले शख्स पर ही लगा है। घटना के बाद ग्रामीण गुस्से में, साथ साथ उसके घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। बच्ची अकेली थी, तो उसको रास्त्री लाने के बहाने से उसने अपने घर में बुलाया और उसी दरमियान उसके साथ उसने गलत काम उससे नाबालिग के साथ किया और उसको उसके घर छोड़ दिया। जब बच्ची के परिजन घर पे आए, उसकी माँ और मामा वगैरह, तब बच्ची ने रोता हुआ देख के उससे घटना के बारे में पूछे। तत्पर उसके पश्चात में थाना आए और थाने में संपूर्ण घटना के बारे में उन्होंने रिपोर्ट लेकर कराई। ग्वालियर, बुरहानपुर और हरदा की ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से एमपी में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चला है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। ये तस्वीरें एमपी की कानून व्यवस्था पर सवाल हैं और कटघरे में खाकी का इकबाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ग्वालियर की अगर हम बात करें, अपहरण मामले में ये आपको अपडेट दे दें कि 9 घंटे बाद भी छात्रा का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस के हाथ अब भी खाली है, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। लगातार पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल की बात कर रही है, आरोपियों को ढूंढने की बात कर रही है, पर अब तक प्रशासन के हाथ खाली हैं। ये तस्वीरें आपको हमने लगातार दिखाई, ग्वालियर की तस्वीरें जहां पर अपहरण हुआ, एक छात्रा के साथ अपहरण हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जबरदस्ती छात्रा को बाइक पर बिठाते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं और उसे ले जाते हैं अपहरण करके। दरअसल बताया जा रहा है कि किसी कार्यक्रम में ये ग्वालियर आई थी छात्रा और उसी दौरान ये अपहरण हुआ। पेट्रोल पंप की तस्वीरें हम देख सकते हैं, कई सारे लोग भी वहां पर मौजूद हैं जो पेट्रोल भरा रहे हैं, आसपास भी लोग मौजूद हैं, पर किसी ने भी यहां पर रोकने की कोशिश नहीं की, बचाने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ प्रशासन पर भी यहां पर, कानून व्यवस्था पर भी यहां पर सवाल उठते हैं। जिस तरह से दिन दहाड़े ये तस्वीर सामने आई है, ये वारदात हुई है, किस तरह से जोर जबरदस्ती करते हुए छात्रा को बाइक पर बैठाया गया और उसे ले गए, अभी तक पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, पर किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं लग पाया है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो ग्वालियर की तस्वीरें आपको लगातार दिखाई हमने अपहरण मामले में, ये आपको अपडेट दे रहे हैं कि अब तक किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं लग पाया पुलिस के हाथ, प्रशासन के हाथ अब भी खाली हैं।
लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आरोपियों को पकड़ने के, पर अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। तीन जगह की हमने वारदातों की बात की, बुरहानपुर की भी, हरदा की भी, ग्वालियर की भी। तो अलग अलग वारदातें जिस तरह से हो रही हैं वो सवाल कई सारे खड़े करती हैं। हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ गए हैं, गणेश कुमार है बुरहानपुर से, प्रवीण टवर है हरदा से, तो वहीं हमारे साथ सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले आपका ही मैं रुक करूंगी। देखिए, मामा के राज्य में बात की जाती है हमेशा से ही महिला सुरक्षा की, पर जिस तरह से शिवराज के शासन में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि कई सारे दावे मुख्यमंत्री करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, और ये बड़ी वारदात जब होती है तो प्रशासन पर भी, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है मध्य प्रदेश, न सिर्फ ग्वालियर में बल्कि आप देखें हरदा, बुरहानपुर, तमाम जगह जो घटनाएं हो रही है उसके बाद तो महिला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश में सवाल खड़े हो रहे हैं। तीनों घटनाओं की अगर बात करें तो ग्वालियर की घटना सबसे जघन्य घटना है एक तरह से कहा जाए तो। सुबह के वक्त दिन दहाड़े एक छात्रा का दो बाइक सवार अपहरण करके ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद सूचना मिलने के बाद भी पुलिस नाकेबंदी नहीं कर पाती, बदमाशों को पकड़ नहीं पाती। हालांकि अब पुलिस को सूचना मिली है कि इनमें जो संदेही है वो भिंड जिले का ही रहने वाला है और संभवतः वो उसका साथी ही छात्रा को लेकर गया है। एक कहानी ये भी सामने आ रही है कि छात्रा और ये जो आरोपी है वो पूर्व परिचित है, तो कई तरह के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं जिसमें अब कहानी धीरे धीरे पुलिस के सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी छात्रा को बरामद करना है, उसके साथ ही जो आरोपी हैं उन आरोपियों को भी पुलिस को पकड़ना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है जिसमें पुलिस 8 घंटे बाद भी अभी कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि पुलिस का दावा है कि इस कहानी से जल्द ही पर्दा उठा लिया जाएगा, जो आरोपी है उसे भी पकड़ लिया जाएगा और इस अपहरण के पीछे जो कहानी है उस कहानी को भी पुलिस साफ कर देगी। लेकिन जो घटनाएं मध्य प्रदेश में आज हुई है 24 घंटे के अंदर वो जरूर चिंताजनक है कि कानून व्यवस्था जो है उस पर सवाल खड़े करती है कि कहीं बेटियों की सुरक्षा के लिए जो सरकार दावे करती है उन दावों पर प्रशासन और पुलिस की टीम जो है खरा नहीं उतर पा रही है। सरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर दावा करती है लेकिन जो घटनाएं होती है उस घटनाओं के बाद सवाल जरूर खड़े होते हैं। हालांकि अब पुलिस इन मामलों में जल्द कार्रवाई कर इन मामलों को सुलझाने की बात कह रही है। ठीक ठीक, लौटेंगे आपके पास। प्रवीण तवर हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार प्रवीण के पास भी चलेंगे। हरदा में भी इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। प्रवीण, अगर हम देखें, खास तौर पे कहा जाता है कि सरकार जो है जोर दे रही है महिला सुरक्षा पर आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। हम लगातार अगर हम तस्वीरें देखें, अमूमन सब महीनों की तस्वीर देखें तो कोई ना कोई बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं। अब एक बार फिर से हरदा की तस्वीर हमने देखी, आखिर यहां पर किस तरह से जांच पड़ताल की गई, किस तरह की कार्रवाई की गई, पूरी ये घटना थी क्या वो भी विस्तार से बताइए और इसमें आखिर क्या एक्शन लिया गया वो भी बताइए। जी ऋतु जी, ये जो पूरा मामला है हरदा के सिराली थाना क्षेत्र का रहने वाला का मामला है ये पूरा, और वहाँ के रहने वाले बलराम मालवी नाम का युवक था जो विगत 16 नवम्बर को ही अपने गाँव आया था, इंदौर ये युवक रहता है। लेकिन इस युवक के मन में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं मालूम था। परसों की बात है कि बालिका 13 वर्षीय बालिका जो कक्षा 8वीं की छात्रा है वो अपने घर के बाहर खेल रही थी, आरोपी ने उसे गुटखा मंगाने के नाम पर बुलाया। चूंकि बालिका जानती थी क्योंकि आरोपी उसके घर के सामने ही रहता था, बालिका सहज रूप से उसके घर के अंदर गई। लेकिन जिस तरीके से आरोपी ने घिनौना का कार्य किया उसकी जितनी निंदा क्या की जाए वो कम है। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे छोड़कर भाग गया। बालिका ने ये बात अपने परिजनों को बताई, परिजन बालिका को लेकर थाने पहुंचे और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस पर जब तक समाज का दबाव नहीं होता पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करती। सुबह से शाम तक जब FIR हुई उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, पूरा गाँव इकट्ठा होकर सिराली थाने पहुँचा और पुलिस को आवेदन दिया।
और उनसे मांग की गई कि आरोपी के घर पर जो है तोड़फोड़ की जाए, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। उसके बाद मीडिया इस पूरे मामले में सक्रिय हुई, न्यूज 18 ने भी लगातार इस पूरे मामले में अपना सामाजिक दायित्व निभाया और इस खबर को प्रमुखता से दिखाकर पुलिस को इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया। पुलिस इस मामले में तत्काल सक्रिय हुई और अलग अलग दल बनाकर जो है कई स्थानों पर भेजे गए। आरोपी की इंदौर में होने की सूचना मिली और पुलिस ने उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और हरदा लेकर आज यहां पर आई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया। आरोपी फिलहाल अभी कोर्ट में है, कोर्ट उसे पुलिस रिमांड देती है या उसे जेल भेजती है ये फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस तरीके की जो मामले हैं समाज में आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये घृणित सोच का परिचायक है। जी रितु जी, पर यहाँ पर सवाल यह भी उठता है ना कि आखिर प्रशासन की सक्रियता कहाँ है, क्यों नहीं सक्रिय होता प्रशासन जब पीड़ित जाते हैं थाने पर पहुंचते हैं, शिकायत करते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं, पर तब ध्यान नहीं दिया जाता। जब खबर दिखाई जाती है, जब बड़े अफसरों का जोर आता है, प्रेशर आता है, तब जा करके लिखते हैं रिपोर्ट। शायद इसी वजह से लोग डरते हैं और रिपोर्ट लिखाने नहीं जाते, या तो वहीं के वहीं मामला रफा दफा हो जाता है। जी रितु जी, बातें तो बहुत की जाती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये जो इस तरीके की घटना है ये तमाम दावों की पोल खोल देती है। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये भी आया कि क्योंकि थाने में महिला पुलिस अधिकारी ही जो है कोई भी पीड़िता है उसकी रिपोर्ट दर्ज करती है, लेकिन सिराली थाने में कोई महिला अधिकारी पदस्थ नहीं थी। पड़ोस के जो थाने लगभग 25 किलोमीटर दूर छिपावड़ थाने से एक महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया गया और उस महिला पुलिस अधिकारी ने जो है पीड़िता की पूरी कहानी सुनी और रिपोर्ट दर्ज करी। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी थाने में पुलिस महिला पुलिस अधिकारी की पदस्थापना नहीं होना चाहिए? अगर ऐसे इस तरीके के मामले आते हैं तो पुलिस को पे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या दूसरे थाने से पुलिस अधिकारी आएगी तभी रिपोर्ट होगी, और उस दरमियान भी जो है पीड़िता को काफी इंतजार करना पड़ा। और यहाँ पर एक बड़ी सोशल लायक बात यह भी कि हरदा में इस तरीके के मामले आते हैं लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से नहीं लेती है, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करती। यही कारण होता है कि इस तरीके की घटनाएं होती रहती है, आरोपी जो है खुलेआम अपनी जो मंशा है उनको पूरा करते रहते लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरे हुए रहती। ठीक, गणेश कुमार लगातार बुरहानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, यहाँ पर देखिए शर्म की बात यह भी है कि काम करने बाहर जाने में भी डर लगता है, बच्ची जाती है खाना बनाने और वन रक्षकों द्वारा दुष्कर्म कर दिया जाता है नाबालिग आदिवासी का। आखिर किस तरह का एक्शन लिया गया है, क्या थी ये पूरी घटना, विस्तार से बताइए। जी ऋतु, बताना चाहूँगा कि बुरहानपुर जिले में वनरक्षक जो है वही भक्षक बन गए हैं। जिले के खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत अमगांव में जो है वन चौकी में एक सुधीर तांगी करके जो वनरक्षक है उन्होंने एक बच्ची का 17 साल की नाबालिग बच्ची को जो अपने हैवानियत का शिकार बनाया है और उसके साथ में एक सहकर्मी, उसी के सहकर्मी नीलेश नीले भी इसमें इस मामले में शामिल है। नीलेश ने जो है वो बच्ची को खाना बनाने के लिए चौकी पर वन चौकी पर बुलाया और सुधीर दांगी को अंदर भेज के जो है वो दरवाज़ा बंद करा के इस तरह के दुष्कर्म को जो अंजाम दिलाया। नीलेश नीले जो है बाहर देर तक मौजूद थे कि ताकि कोई व्यक्ति अंदर आए और किसी भी तरह से इनको ना देखे, इसलिए नीलेश नीले जो है बाहर खड़ा रहा और सुधीर दांगी ने जो है इस घटना को अंजाम दिया। बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने के बाद में उसको ऊपर एक दबाव डाला कि अगर बाहर किसी व्यक्ति को अगर बताया, परिजनों को अगर बताया तो तुम्हारे साथ में और गलत कृत्य किया जाएगा। इस मामले जो में जो है खकनार पुलिस थाना अधिकारी ने मामला दर्ज किया है और अभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। ठीक 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 ठीक, सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, देखिए सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि देखिए वहां पर बच्ची मौजूद थी, पेट्रोल पंप पर पानी पीने के लिए गई थी, आसपास कई सारे लोग हमको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर मानवता भी शर्मसार होती है कि इतनी सारी बड़ी संख्या में वहां पर लोग हैं, भीड़ है, पर किसी ने भी प्रयास नहीं किया। और आजकल ये ट्रेंड सा बन गया है कि किसी का कुछ मामला होता है या कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, मानवता नहीं दिखाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए सवाल भी आपका जायज है कि इस तरह की जब घटनाएं होती है तो लोग बिल्कुल विरोध नहीं करते या ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास नहीं करते। ग्वालियर में जब पेट्रोल पंप पर सुबह ये घटना हुई तो उस वक्त आसपास कई लोग मौजूद थे। पेट्रोल पंप की ही बात करें तो वहाँ करीब 10 से 12 कर्मचारी मौजूद थे, इसके अलावा आसपास लोग मौजूद थे। लेकिन जब घटना हुई तो एक बाइक सवार और दूसरा उसका साथी इस छात्रा को उठाकर बाइक पर बैठाते हैं और ले जाकर वहाँ से फरार हो जाते हैं।
लेकिन आसपास के लोग इस घटना को रोकने के लिए सामने नहीं आए। तो एक तो मानवता से जुड़ा हुआ भी सवाल ये है कि लोग जो है मदद करने के लिए इस तरह के घटनाओं में सामने आने से कतराते हैं। दो वजह होती है, एक वजह तो ये भी है कि लोग इस बात से डरते हैं कि उन्हें पुलिस के पचड़े में फंसना पड़ेगा, दूसरा अपराधी जब इस तरह के अपराध करते हैं तो उसके पास हथियार भी होता है, तो लोगों को आशंका रहती है कि कहीं वो वेपन से फायर ना कर दे। दो वजह से लोग जो है इन घटनाओं से, ऐसी घटनाओं से दूर रहते हैं बीच बचाव करने से। ठीक 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 ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुक